Now let's talk about the possibility of colonizing the planet, which are from different solar systems. Colonizing the planet which is not from the solar system, even colonizing the Mars also. So, see, we need to know that what is required for the human body to thrive in these conditions. So, Elon Musk is a genius, and I totally agree with this that you are his fan or whatever. But colonizing the Mars and taking the humans from here to there is a very bad idea. Colonizing the solar system is a very bad idea. Let me tell you why. Problem क्या है, जो साइंस है वो सिर्फ एक ही लेंस से देखती है, वो है फिजिकल जो वर्ल्ड है उसके लेंस से. उसके पीछे जो लेयर है, इन्वॉल्व है, उससे कभी हम नहीं देखते. और हमने क्योंकि देखा नहीं है वो चीज़, तो हम उसको समझते नहीं हैं. और ये सिर्फ लेयर का नहीं है कि पुराना जो लेयर है हमारा, या कह सकते हैं कि जो दूसरी लेयर है, जो एनर्जी लेयर है हमारी शरीर की, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये बिल्कुल भी सही विचार नहीं है. और ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप ह्यूमन बॉडी को किसी दूसरे प्लैनेट पे सरवाइव कर सको. लेट्स से कि आप मार्स पे चले जाते हो, उसको कॉलोनाइज कर देते हो, और आप वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसको गर्म कर देते हो, ऊपर का नॉर्थ पोल साउथ पोल गर्म कर दोगे तो ऊपर जो बर्फ़ जमी हुई है वो नीचे आएगी, वो नीचे आएगी तो एटमॉस्फेयर बनेगा बिकॉज पानी आ गया है. लेट्स इमेजिन दिस. ओके, एंड लेट्स से दिस इज पॉसिबल, विच इज 100% ट्रू, इट इज़ पॉसिबल. अगर आप साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो है मार्स का वो गर्म कर देते हैं, तो क्या होता है कि जो पानी है वो नीचे रिसेगा प्लैनेट का, और जैसे ही वो नीचे रिसेगा बीच में आएगा तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर बनने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, लेट से कि आपने पानी डाल दिया, पर वो जो पानी आप जमा हुआ जो बर्फ है उसको जो आप पिघला रहे हो, उस पानी का स्वाद नहीं लिया जा सकता है. इनफैक्ट चाहे टाइटन हो, यूरोपा हो, एक ये जुपिटर का वो है ये मून, वहां पे पूरा बर्फ जमा हुआ है. साइंस का प्रॉब्लम क्या है, देखो साइंस ये कहती है कि अच्छा पानी जमा हुआ है उसको हम पिघला देंगे और टेस्ट करेंगे और पीने लायक होगा तो पी लो, सही है, जिंदगी चल गई. नहीं, नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल. इट इज सो चाइल्डिश टू थिंक लाइक दिस. You cannot swallow the water from another planet. You cannot do it. See, what happens is, we can bring some portion of the ice. लेकिन वो आने में प्रॉब्लम ये है कि वहाँ से लाने में वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकता, अभी इतनी टेक्नोलॉजी हुई नहीं है. फ्यूचर में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होगा, वहाँ से इम्पोर्ट करेंगे, एक टुकड़ा उठा के लाएंगे आइस का और यहाँ पे पृथ्वी पे लेके आओ और पिलाओ लोगों को उसको पिघला के. कुछ नहीं होने वाला, पीपल विल डाई. आप कितना भी टेस्ट कर लो माइक्रोस्कोप से, वहां सब कुछ सही है, सब कुछ बढ़िया है. आप पहली चीज तो एक नोट करोगे कि उसमें जो माइक्रोब्स है वो सिमिलर होंगे, काफी कुछ माइक्रोब्स अलग अलग होंगे, तो उसको पहले टेस्ट किया जाएगा, चूहे पे, इस पे टेस्ट किया जाएगा. आप जब टेस्ट करोगे तो होगा क्या कि चूहे मर जाएंगे, बंदर मर जाएंगे. आप कहां पे हो, किस खुशी में हो आप कि आप इस पूरे के पूरे स्पेस को कॉलोनाइज करने का सोच रहे हो? आप जो प्लैनेट है उसकी बात क्यों नहीं करते हो सेव करने की? ठीक है, और अभी चलो हम इसकी बात नहीं करते हैं एथिकली कि प्लैनेट कुछ सेव करें एंड ऑल दैट, वो तो सबको पता है. हम इसकी बात करते हैं कि अगर हम दूसरे प्लैनेट पे मनुष्यों को ले जाएं, इंसान को ले जाएं, तो क्या आप, क्या वहां पे वो सर्वाइव कर पाएगा पानी अगर है तो? देखिए, हमारा जो शरीर है वो इस प्लैनेट की मिट्टी से बना है. पर्टिकुलर
लेवल्स ऑफ वाटर है फूड में, जो क्वालिटी ऑफ वाटर है यहाँ की, जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व है यहाँ पे वाटर में, उसके साथ साथ जो प्राण इन्वॉल्व है यहाँ पे पानी में, ये सारे कॉम्बो हैं। ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनर्जी है वो सिर्फ इस प्लैनेट की है, और ये जो शरीर है इस प्लैनेट का है, जो अगर आप इसको दूसरी प्लैनेट पे लेके जाते हो स्पेसशिप्स में, आप कंडीशंस ऐसी कर लेते हो, अभी भी आप ऊपर जा रहे हो लेकिन धरती का खाना खा रहे हो, आप धरती का पानी पी रहे हो, उसकी प्रॉब्लम नहीं, आप मरते नहीं हो, आप ऊपर ऑर्बिट कर रहे हो, मरते नहीं हो, यू आर रोटेटिंग विद द प्लैनेट, यू आर रिवॉल्विंग विद द प्लैनेट, यू आर नॉट डाइंग। द प्रॉब्लम इज बिकॉज यू आर ईटिंग द फूड एंड वाटर ऑफ द प्लैनेट। बट लेट्स से इफ यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग एंड टेस्टिंग द प्लैनेट, द मार्स का पानी, द वाटर ऑफ द मार्स और द वाटर ऑफ सम अदर सोलर सिस्टम इटसेल्फ, जो दूसरे सौर मंडल का पानी है उसको शरीर में नहीं डाला जा सकता है। और ये आइडिया कि हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे पृथ्वी से मार्स में और वहाँ पे हम बेस बनाएंगे और वहाँ पे, वो भी आइडिया नहीं हो सकता पॉसिबल, क्योंकि कब तक तुम पानी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते रहोगे। द आइडिया टू कॉलोनाइज द एंटायर यूनिवर्स विद द ह्यूमंस इज नॉट पॉसिबल सर, इट इज नॉट पॉसिबल, यू आर ऑन द फेल मिशन। नाउ व्हाई आई एम टेलिंग दिस, यू कैन नॉट रिस्क द ह्यूमन बॉडी फॉर अनदर प्लैनेट्स वाटर, यू कैन नॉट जस्ट रिस्क इट, आई नो यू विल टेस्ट इट ऑन द मंकीज फर्स्ट। द वॉटर विच इज इनसाइड द ह्यूमन बॉडी राइट नाउ, मदर अर्थ हैज प्रोड्यूस्ड इट। द वॉटर यू आर ड्रिंकिंग फ्रॉम द रिवर, फ्रॉम द वेल, अंडरग्राउंड द अर्थ, मदर अर्थ, आवर अर्थ हैज प्रोड्यूस्ड इट। दैट प्रोडक्शन लीड्स टू फॉर्म अ सर्टन सेल because of that particles or particular type of molecules or atoms are involved in that. These water molecules which are of planet's earth, you need to understand that this type of water molecule is just for this type of body which is on this planet. So you need to understand something. You cannot colonize the solar system. You just cannot. You can replicate the conditions on this planet. But you cannot colonize space. बिकॉज जिस डिस्टेंस पे, अगर हम पानी की बात भी ना करें और खाने की बात ना करें, फूड एंड वाटर तो आप कर ही नहीं सको, कि जो कि ये जो मटेरियल से बना है वो मटेरियल ही चाहिए होगा वहाँ पे, और सिर्फ वो मटेरियल नहीं है, मटेरियल के साथ साथ यहाँ पे जो प्राण है वो भी सिर्फ यहीं मौजूद है। आप प्राण कैसे बनाओगे वहाँ पे? आप एलिमेंट्स बना लोगे, मॉलिक्यूल्स बना लोगे, आप पता नहीं क्या क्या बना लोगे, लेकिन आप प्राण कैसे बनाओगे? आप एनर्जी कैसे बनाओगे जो यहाँ की मौजूद है? आपको लगता है एनर्जी एक ही है? जो एनर्जी पृथ्वी पे मौजूद है वो एनर्जी वहां नहीं मौजूद है दूसरे प्लैनेट्स पे। एनर्जी के फॉर्म्स होते हैं, एनर्जी अलग अलग टाइप्स की होती है सर। जब पहले टाइम एंड स्पेस आता है, उसके बाद ऊपर फाउंडेशन ले होती है और यूनिवर्स पैदा होता है। टाइम एंड स्पेस आता है, उसमें कंस्टिट्यूएंट्स आते हैं, वो डार्क एनर्जी से चीजें बनती हैं। तो डार्क एनर्जी अलग एनर्जी है, प्राण एनर्जी अलग एनर्जी है, ऐसे बहुत अलग अलग एनर्जीज होती हैं। इन अलग अलग एनर्जीज में सर्टेन कंडीशंस अगर बनती हैं तो वहाँ पे फिर जीवन आता है, उत्पन्न होता है, जीवन का विकास भी होता है वहीं पे। तो आप कैसे बनाओगे? यू आर ऑन अ फेल्ड मिशन। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग इज दैट, कि अगर आप मार्स पे लोगों को लेके जाते हो, इस शरीर में जो सूर्य और चंद्र की परिक्रमा है वो एक सर्टन
डिस्टेंस पर है। कैसे? देखिए, जो धरती है और जो चांद है वो एक डिस्टेंस पे हैं। उस डिस्टेंस की वजह से एक सर्टन टाइप ऑफ ग्रेविटेशनल पुल है, उसकी वजह से प्रेगनेंसी होती है। द मून इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन। इफ देर इज फुल मून एंड द गर्ल्स आर ऑन पीरियड्स, दे विल फील इट। दोज डेज द पीरियड विल बी सो मच पेनफुल, द क्रैम्प्स विल बी हार्ड इफ द फुल मून इज देयर, बिकॉज द मून इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द फेमिनिन एनर्जी। मून इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉर्ड ऑफ मूवमेंट्स ऑन द प्लैनेट, न्यू मून एंड फुल मून बोथ। उसी के साथ साथ जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो सन में है, और एक डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस में इंसान को रहना है। उस ज्यादा अगर आप डिस्टेंस करोगे वहां रहोगे, और अगर वहां पे पानी भी है, खाना भी है, सब कुछ है, आप सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि अब जो है सूर्य जो है वो दूर हो गया है। अरे अगर मार्स में लिटरली बनना होता तो अब तक बन गया होता, एवोल्यूशन भी हो गया होता वहां पे, लेकिन वहां पे कंडीशंस नहीं है। और आप कह रहे हो कि हम ऊपर से कंडीशन क्रिएट करते हैं। ऊपर से क्रिएशन कैसे करोगे? अंदर से जो कनेक्शन है सूर्य का और चंद्रमा का शरीर के साथ, वो आप दूर कर रहे हो उसको, वहां पे लोग जिएंगे ही नहीं। अगर आप, मैं कहता हूँ फूड एंड वाटर भी कर लिया, सब कुछ आपके पास है, उसके बाद भी लोग 10-15 साल के ऊपर नहीं जिएंगे, लोग मर जाएंगे। ये एक फेल्ड मिशन है, दिस इज अ फेल्ड मिशन, आई एम टेलिंग यू, आई एम 2022 राइट नाउ, पार्थ सिंह 2022, देर आर थाउजेंड्स ऑफ ईयर येट टू कम। इफ यू आर लिसनिंग द पॉडकास्ट इन 4022 और 5022, जस्ट रिमेंबर माई नेम। सिर्फ अभी पृथ्वी पे ही सिर्फ 5 से 6 हजार साल बचे हुए हैं जहाँ पे ह्यूमंस पीसफुली रह सकते हैं। उसके बाद जो युग है वो चेंज हो जाएगा। 28,000 साल बाद लड़कियाँ प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, क्योंकि जो मून है वो दूर हो जाएगा प्लैनेट से, और मून रिस्पॉन्सिबल है प्रेगनेंसी के लिए। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि जो प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस है वो शरीर मंडल पे होता है, और क्योंकि तुम्हें दिख नहीं रहा है तो तुमको लगता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे पहले लोगों को ये नहीं दिखता था कि ब्लैक होल होता है, लोग कहते थे मिथ है। वैसे ही लोगों को लगता था कि भाई ये तो मिथ है, मिथ है, अब तुम्हें यकीन हो रहा है। तो इट इज अ फेल्ड मिशन, दिस इज 2022 राइट नाउ। Today is 17th October. I am giving you this Bhavishyavani. It's not possible to colonize the humans. This is why the aliens have not invaded till now. Aliens exist, but they have not invaded because they are not able to survive in this condition. They need their own star. They need their own sun. They need their own house. It is just a house. आप अपने घर में रहोगे तो अच्छा है ना, अगर आपको समुंदर के अंदर डाल दें, वहां पे घर बना दें तो कैसा रहेगा? आप कहोगे अरे यार हम तो रह लेंगे। नहीं रह पाओगे आप। दे कैन नॉट कम ओवर हियर बिकॉज ये जो स्टार सिस्टम है वो अलाउ नहीं कर रहा है। अगर आप भी गए तो रुकेंगे क्यों? 24 घंटे में आदमी को भूख लगती है, कहां खाना खाएगा आदमी, कितना खाना लेके आओगे? और खाना तुम लेके आ भी गए तो प्लैनेट का जो इन्फ्लुएंस है वो तुम्हारे शरीर के हिसाब से मैच नहीं कर रहा है। तुम्हारा शरीर मैच हो रहा है दूसरे स्टार सिस्टम के साथ। तुम्हारे शरीर में जो कंस्टिट्यूएंट है, जो एनर्जी है, वो दूसरे स्टार सिस्टम के साथ है। तुम्हारा जो बाप है वो एक्चुअली में वो सूरज है जो तुम्हारा सौर मंडल का है, तुम्हारे स्टार सिस्टम का है, तुम्हारे सोलर सिस्टम का है। तुम इस सोलर सिस्टम में एंटर नहीं कर सकते। आप मशीनें भेज सकते हो, आप वॉयजर 1 भेज सकते हो, वॉयजर 2 भेज सकते हो, वो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो एक ऐसे कंडीशंस में जाएगा जहां पे कंडीशंस सही नहीं है, वो वहां पे वो भी मर जाएगा। वो तो अभी इंटरस्टेलर स्पेस में है, बिल्कुल नजदीक है एकदम। अभी उसको आगे जाने दो, वो भी सिग्नल देना बंद कर देगा, वो भी खत्म हो जाएगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दे कैन नॉट कम ओवर हियर, दे आर एग्जिस्टिंग।
मे बी दे आर ऑब्जर्विंग ऑल्सो। एंड एलियंस की अगर हम बात करें सिर्फ, तो एलियंस जो है हमारे, एक थ्योरी ये है कि आप ये क्यों सोचते हो कि दे हैव द डिजायर टू एक्सप्लोर, दे हैव द डिजायर टू सीक, दे हैव द डिजायर टू नो, टू टॉक, टू मेक अस बिलीव कि भैया एलियन होते हैं। ये हमारे डिजायर है, हमें लगता है कि हाँ, हमें लगता है कि हमें हमें यहाँ पे मजा आएगा, ये वो, और कोई हमें आके बोलेगा कि हम भी मौजूद है, आप भी मौजूद है, आइए दोस्ती कर लेते हैं, ये वो। देखिए पहली चीज तो ये एक थ्योरी ये भी है कि एलियन जरूरी नहीं है कि उसके पास फॉर्म हो। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं। जो मानसरोवर लेक है, कैलाश के ऊपर अभी तक चढ़ाई नहीं कर पाया कोई, जो मानसरोवर लेक है उसमें अगर हम बात करते हैं तो अभी तक कोई भी, ये भगवान कितना कॉल करेंगे ये लोग, मानसरोवर लेक के साथ सीन क्या है कि वहां पे कोई चढ़ाई नहीं कर पाया कैलाश में, उसके नीचे वहां पे मानसरोवर तक जा सकते हैं, वहां पे भी बहुत सारी एक्टिविटीज ऑब्जर्व करी गई हैं, और ऐसा बोला जा रहा है कि इंटरडाइमेंशनल फॉर्म्स हैं। अब इंटरडाइमेंशनल जो फॉर्म है, ऐसी बहुत सारी धरती पे ही ऐसी ऐसी फॉर्म्स हैं जिनको आपने अभी तक देखा नहीं है, और वो धरती का ही पार्ट है। अगर आप देख लोगे तो आपके चीखें निकल आएंगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रेत आत्माएं, प्रेत आत्माएं कुछ नहीं कर सकती। प्रेत का मतलब क्या होता है? एक आदमी मर गया, उसकी वासना खत्म नहीं हुई है, और वो वेट कर रहा है नेक्स्ट बॉडी के लिए। तो जितनी हायर फ्रिक्वेंसी होती, कभी कभी उसका थोड़ा बहुत साया टाइप का, धुआं टाइप का दिख जाता है। उससे आप बात करोगे हाय, ना वो हाय रिप्लाई आएगा, ना आप बोलोगे ये प्रेत आत्मा यहाँ से छोड़ दे, आप वहाँ बैठोगे तो आपके साथ कम्युनिकेशन करेगा। क्या कम्युनिकेशन करेगा? अपनी वासनाएं बताएगा, क्योंकि शरीर नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट शरीर कौन सा मौजूद है। इतनी भयंकर इंटेंसिटी होती है, अगर आपको एक संदेशा देना है तो आप क्या करोगे? अगर आपके अंदर एक डिजायर है, आपके हाथ पैर टूट गए, आप क्या करोगे? आप अपने मम्मी को बुलाओगे, बहन को बुलाओगे, गर्लफ्रेंड को बुलाओगे, आप कहोगे कि अरे यार ये ना ये जो मैसेज है पहुंचा देना, मुझे ये करना है ये कर दो, मुझे वो करना है वो कर दो, मुझे खाना खाना है खाना खिला दो, मुझे यहाँ जाना है मुझे यहाँ ले चलो, बस। वैसे ही इन लोगों के अंदर भी डिज़ायर होते हैं, तो ये लोग, आप बैठे उनके पास तो कम्युनिकेशन होने लगेगा। हो सकता है वो आपको विजुअल इमेजेस आने लगे कि ब्रिज पे कोई खड़ा हुआ है, और वो जो उसकी मेमोरीज हैं वो प्ले होने लगे थोड़ी बहुत, और वो मेमोरी वही होगी जो मेमोरी वो चाहता था मरने से पहले। इसको वासना बोलते हैं। जो भी तुम चाहते हो, जो तुम्हारे डिजायर है, जो बर्निंग डिजायर है, एडिक्शन, इसीलिए चार लेवल्स ऑफ डिजायर, तीन लेवल्स ऑफ डिजायर समझना जरूरी है। इसीलिए मैंने पहले बात करी थी कि इंटरेस्ट, ज्वलंत इच्छा और वासना क्या होती है। वासना रह जाती है, ये वासना अगर आप कोई बैठोगे वहां पे, प्रेत आत्माएं मौजूद हैं, तो वो आत्माएं क्या करेंगी? आपके थ्रू एक्सप्रेस होने की कोशिश करेंगी, तो आपको वो हिप्नोटाइज नहीं कर लेंगी, आपको कंट्रोल नहीं कर लेंगी। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपके साथ बैठ गया कब्रिस्तान में, आप गए और आपके, आप कभी कब्रिस्तान में बैठो, मैं जा चुका हूं, कभी आप कब्रिस्तान में जाओ तो होता क्या है कि उनको पता है कि ये शरीर है, अब ये शरीर यहाँ पे है, अब इसके साथ वो जो हम करना चाहते हैं नेक्स्ट शरीर में, हम इसके साथ करें, नेक्स्ट शरीर मिलने में हम क्या करेंगे? हम सिंगर थे, हम मर गए तो हमें दोबारा सिंगिंग करनी है, जैसे ही शरीर मिलेगा तो हम क्या करेंगे? हम उसको विजुअल इमेजेस दिखाएंगे कि हम सिंगिंग कर रहे हैं, वो आदमी सोचेगा यार मेरे बड़ा सिंगिंग इमेजेस आ रही हैं। हम ये बताने की कोशिश करेंगे देखो हम कैसे मरे थे, ये ज्यादा होता है। जो डेथ का इवेंट है वो आदमी बताने की ज्यादा कोशिश करता है कि डेथ कैसे हुई थी, क्योंकि उसको लगता है कि हाँ कितना दर्द हो गया मेरे साथ, देखो ये वो दिखाने की कोशिश होती है। अरे ये कोई भी इंटेंशनल चीज नहीं हो रही है, ये बस वही वासना एक्सप्रेस हो रही है। ये पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है, ये वासना को पूरा करने के लिए दोबारा बना हुआ। पहले जो 83rd, दिस इज 84th यूनिवर्स राइट नाउ, 83rd यूनिवर्स जो था वो मर गया, वो दोबारा जन्म हुआ यूनिवर्स का सिर्फ तुम्हारी वासनाएं पूरी करने के लिए, और यूनिवर्स की पर्टिकुलर खुद की भी अपनी वासना है। ऐसा नहीं यूनिवर्स वासना फ्री है, यूनिवर्स की वासना है, वो परिक्रमा करना चाहता है, ये वासना है, वो रोटेशन करना चाहता है, रेवोल्यूशन करना चाहता है, ये वासना है।
हैं, वो बीज को पेड़ बनाना चाहता है, पेड़ को पौधा बनाना चाहता है, पौधे को उसमें फल निकालना चाहता है, फल वापस नीचे गिरेगा उसमें वापस ये होगा, वो पॉटी को मिट्टी के साथ मैच करो, फिर ये बनाओ, फिर वो, ये सब वासना है, इट्स अ प्रोग्राम। इफ यू सी, यू विल सी द पैटर्न्स ओवर हियर राइट नाउ, राइट हियर द पैटर्न्स यू विल सी, स्टार्ट ऑब्जर्विंग दोज पैटर्न्स, वट एवर इज रिपीटिंग इट्स अ पैटर्न, यू विल सी द पैटर्न कि भाई ये तो यहां पे भी हर चीज परिक्रमा कर रही है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि वो जो फॉर्म है जो आप सोचते हो भूत प्रेत तुलैल आत्मा, ठीक है, जेंडर वेंडर कुछ नहीं होता है मरने के बाद, ठीक है, वासना होती है, सिर्फ वासना, सिर्फ वासना होती है। जिस इंसान की वासना नहीं होती वो इंसान कभी वापस नहीं आता, ठीक है, वो इंसान डिसॉल्व हो जाता है। किसमें डिसॉल्व, मतलब ये नहीं कि अपने कहीं गए उसमें मिल गए पानी में, ऐसा कुछ नहीं है। डिसॉल्व मतलब क्या यार, ये जो जन्म होता ही क्यों है, डिजायर की वजह से, इट्स अ डिजायर राइट नाउ, एवरीथिंग इज अ डिजायर। आपको डिजायर थी इसलिए सफरिंग हो रही है। लोग कहते हैं हम बैठे मेडिटेशन, हमको डर लग रहा है भूत प्रेत आत्मा, मैंने कहा तुझे डर क्यों लग रहा है, क्योंकि हमको मार ना डाले, मार ना डाले डर नहीं लग रहा है, तुमको ये डर लग रहा है कि मुझे जीना है। कभी ध्यान से, होशियारी से, समझदारी से, बुद्धि लगा के बैठ के देखो कि मौत से डर लगता है या फिर जीवन चले जाने का खतरा होता है डर लगता है। आप जो चीजें करना चाहते हो, जब आदमी मरता है तो आदमी किसको याद करता है, बीवी, बच्चा, मम्मी पापा, ये ऑल दैट शिट, है ना। मैं इसको कॉमेडी में इसलिए लेता हूं क्योंकि मुझे बड़ी जो विजन है वो देखने को मिल रही है। पता है क्या, आप पहले भी किसी के साथ थे, मम्मी पापा, पहले भी आपका बेटा बच्ची थी, पहले भी आपकी बीवी बच्चा, बीवी या पति था, उससे पहले भी था, और आप हर जन्म में सीरियस होते हो, और जितनी सीरियसनेस से तुम अपने मम्मी पापा को लेते हो, जितनी सीरियसनेस से तुम अपने बच्चों को लेते हो, बीवी को लेते हो, छोड़ने के बाद, मरने के बाद, उतने ही सीरियसनेस से तुम कोई दूसरे मम्मी पापा को ले लेते हो, उतने ही सीरियसनेस से तुम दूसरा बीवी बच्चा कर लेते हो, कुछ और पैसा कमाने के लिए चले जाते हो, कहीं और कंट्री के लिए दिखाते हो कि ये मेरी कंट्री है। तुम्हारा जो सीरियसनेस है, जैसे ही तुम्हारी मृत्यु होती है तुम्हारी गंभीरता बदल जाती है, तुम्हारी गंभीरता तुम्हारे परिवार से हटके किसी और परिवार में चली जाती है, फिर तुम्हारी मृत्यु होती है और फिर तुम्हारी गंभीरता किसी और परिवार में चली जाती है। यही तो चल रहा है चक्कर, ये चक्कर मेरे सामने है, ये जो चक्कर है, ये जो चक्रव्यूह है, ये जो चक्र है, जीवन का चक्र, काल चक्र, ये काल चक्र तुम्हारी बाधा है और तुमको फंसा के रखता है। और बताइए क्या है, मुझे मार्स में कॉलोनाइजेशन करनी है, मर जाओ अभी, दोबारा 80 साल बाद आओगे फिर यही करोगे, फिर तुम मार्स पे कॉलोनाइज करो, जहां से तुमने खत्म किया है वहीं से तुम रिज्यूम करोगे। ये मत सोचो कि तुमको नई बॉडी मिलेगी तो तुम नई बॉडी में कुछ अलग कर रहे होगे, कुछ नहीं कर रहे होगे, तुम वही कर रहे होगे जो कर रहे हो। अब आप कहोगे कि हाँ ये सब तो बढ़िया है, अब कई लोगों को इसको सेंस ऑफ रिलीफ भी मिलता है, इसमें सेंस ऑफ रिलीफ कैसे मिलता है, देखिए, मेरा जीवन वापस मिल जाएगा मुझे, क्योंकि मृत्यु का डर नहीं है, जीवन चले जाने का डर है। जीवन के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, परिवार, पद प्रतिष्ठा, सम्मान, यश, समृद्धि, इसका चले जाने का डर है। अगर यहां पे प्रलय चल रही हो, हर तरफ लावा चल रहा हो, ज्वालामुखी फट रहा हो, तब तुम्हारे पास कोई जीवन जीने की इच्छा नहीं होगी, तुम खुद उस ज्वाला में कूद जाओगे। अगर हम तुमसे कहें कि अभी एक धूम केतु नीचे गिरने वाला है, कॉमेट गिरने वाला है, जहर खा लो, नहीं तो धूम केतु अगर गिरा तो जल के मरोगे, बहुत लंबे समय बाद मरोगे, तो आप तुरंत जहर खा लोगे, आप कहोगे पहले आने दो। जैसे ही आप आसमान में नीचे देखोगे कि कॉमेट आ रहा है और लोग मर रहे हैं, आप पहले जहर खा लोगे, कहोगे भैया 10 सेकंड में मरना ज्यादा अच्छा है, 10-15 दिन क्यों करना है, समझ रहे हो। जीवन मृत्यु का डर नहीं है तुम्हें, यही तो प्रॉब्लम है। लोग समझते क्यों नहीं है,
लोग देखते नहीं है, कोई भी क्वेश्चन उठा के बैठ जाएंगे हमें मृत्यु का डर। तुम्हें मृत्यु का डर नहीं है सर, तुम्हें तुम्हारे परिवार के खो देने का डर है। और जो परिवार, जिस परिवार को लेकर तुम गंभीर और जो तुम ड्रामा करते हो, वो ड्रामा नेक्स्ट टाइम किसी और के लिए कंटिन्यू होगा। तुम तो बेवफा हो, तुमसे बड़ा बेवफा इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ आज तक। अब सवाल यह आता है कि क्या घर वालों को छोड़ दे, ये प्रॉब्लम है तुम्हारी। मैंने कभी नहीं कहा घर वालों को छोड़ो, अरे उनकी क्या गलती बेचारों की, इतने बेचारे सीधे हैं, तुम्हारा पालन पोषण कर रहे हैं, तुम्हारा परिवार, मम्मी तुम जाओ रोने लगो मम्मी तुम्हें गले से लगा लेगी, उनकी क्या गलती? गलती उनकी नहीं है, गलती ये है कि तुम पूरा का पूरा जो ये जो जाल है, ये जो चक्रव्यूह है, इसको देख नहीं रहे हो। इस चक्रव्यूह के माया से तुम फंस जाते हो, इस चक्रव्यूह के अंदर माया चल रही है। उस माया में जैसे ही तुम आते हो तुम फंस जाते हो। अगर तुम इस माया से बाहर हो जाओ तो शरीर में रहकर तत्काल तत्क्षण तुम मुक्ति को पा सकते हो। मुक्ति मतलब क्या? मुक्ति मतलब इन वासनाओं से मुक्ति। तुम यह समझ सकते हो कि क्या ज्यादा गंभीर है और क्या ज्यादा गंभीर का उल्टा क्या होता है, गंभीर नहीं है, मैं ढूंढ के बताऊंगा गंभीर का उल्टा क्या होता है, ठीक है, चंचल है, व्हाटएवर, गंभीर का उल्टा मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो क्या ज्यादा गंभीर है क्या गंभीर नहीं है तुम्हें पता चल जाएगा। कई लोग कहते हैं कि आपका जो मतलब शब्द शब्द का जो वो है शब्दावली या वोकैबुलरी जो भी होती है वो आपकी अच्छी नहीं है। तो अब मेरी सही में अच्छी नहीं है, मैं मतलब मैं तो कोशिश करता हूँ हिंदी के जितने अच्छे भारी शब्दों को बोलने का, लेकिन नहीं है। पर अगर ये तुम्हें इम्प्रेशन दे रहा है कि आप इंटेलिजेंट हो कि नहीं, तो आप मूर्ख हो। नॉलेज इज नॉट इंटेलिजेंस, चीजों की रियलिटी को देख लेना इज इंटेलिजेंस। कोई कोई टॉपिक दे रहा है, लेट से पैशन, तो पैशन की रियलिटी क्या है, करियर की रियलिटी क्या है, माँ बाप की रियलिटी क्या है, क्या माँ बाप जो कह रहे हैं वो करते रहना चाहिए? क्योंकि हर जगह तो यही लिखा है जो माँ बाप कहते हैं करो, तो माँ बाप तो तुमसे किसी और की शादी करवा देंगे, कर लोगे शादी? हाँ हाँ कर लेंगे, क्योंकि माँ बाप तो सब, अरे माँ बाप अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारा बलात्कार करने के लिए रेडी है। तो कहां पे लकीर खींचनी है ये तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें यह आभास हो जाना चाहिए कि तुम इस चक्रव्यूह के अंदर हो और इस चक्रव्यूह की से मुक्ति चाहिए तुम्हें। अर्जुन को जब बोला बाण चलाने के लिए, लड़ाई करने के लिए, तो अर्जुन के हाथ पैर कांप रहे थे। जब उनको पता चला कि सत्य क्या है, तब उन्होंने सबको काट डाला। क्यों काट डाला? क्योंकि उनको पता है कि ये जिसके लिए मैं परेशान हो रहा हूं, ये जो मेरे बंधु सखा हैं, ये पहले भी कोई और बंधु सखा थे, मेरे बंधु सखा बदलते रहते हैं। अगर तुम गंभीर हो, चक्रव्यूह को समझ चुके हो, तुम्हें समझ में आएगा कि मुझे इनसे उतनी ही दूरी बना के रखनी है जितनी है। कोई मेरे ऊपर चढ़ के नाटक नहीं कर सकता, कोई भी मेरे ऊपर चढ़ के नाटक नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मेरे जीवन के लिए सबसे ज्यादा गंभीर हूं। नाटक का मतलब समझ जाओ क्या होता है। कभी कभी आदमी आपको ना मोह में ग्रसित करने के बाद आपका गलत उपयोग करता है। ये जो उपयोग है इसको समझने की कोशिश करिए। ये उपयोग एक हद तक सही है, लेकिन कभी कभी आपकी पत्नी या आपका पति आपके प्यार को, आपके मोह को यूज करता है अपने स्वार्थ के लिए, तो वहां पे आपको समझना ये जरूरी है कि कहां पे लाइन खींचनी है और कहां पे लाइन नहीं खींचनी है। ठीक है, कुछ छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं कि मुझे दिन में 10 बार कॉल करो, 20 बार कॉल करो, 50 बार कॉल करो,
दो तीन कॉल चार कॉल ठीक है, अगर कोई कह रहा 15 बार कॉल करो, और आप शुरू में तो करते थे क्योंकि शुरू में तो आप पागल थे, दीवाने थे, पागल पागल हो रखे थे, जैसे एक हिरन पागल होता है अपने खुशबू के लिए, अपनी गंध के लिए। तो लेकिन तो 6 महीने तो तुमने 50-50 बार कॉल किया, लेकिन 6 महीने बाद तुम्हें समझ में आया अब तो भाई ये तो मैं ट्रैप हो रहा हूं इसमें, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, और वो आपके पीछे लगी हुई है, कॉल करो कॉल करो कॉल करो, नहीं लड़ाई करेगी। तो चुपचाप यही, ये हिम्मत नहीं होती लोगों को बोलने की, सुन लो मेरी बात, मेरे सामने इतने एग्जाम्पल्स हैं, लोगों की हिम्मत नहीं होती बोलने की, चुपचाप सीधा बोल दो कि देखो मैम ये होगा आपसे, और मुझे इसमें कोई भी, मैं पहले तो माफी मांगता हूं कि मैं आपसे पहले बात किया ऐसे, मुझे क्षमा कर दो, लेकिन मैं 50 बार कॉल नहीं कर पाऊंगा एक दिन में, मुझे माफ कर दीजिए, सॉरी। और आपकी जो हरकतें हैं कि कहां हो, क्या कर रहे हो, कहां ऑफिस गए, कहां चले गए, अभी बताओ, वीडियो कॉल करो, व्हाट्सएप करो, ये भी नहीं हो पाएगा। अरे कैसे नहीं हो पाएगा, तुमको करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी नहीं। तुम मत रहिए, क्योंकि तुम्हारी जैसी लाखों आई और लाखों गई इस जन्म में, तो पिछले जन्म में और उससे भी जन्म में, तो कहां गंभीरता है। देखो चक्रव्यूह से मैं बाहर हूं, मुझे पता है कहां पे कहां रोकना है कहां नहीं रोकना है, अब कहां नहीं रोकना ये भी समझ लो। अगर कोई ओवर कॉन्शियस हो रहा है तुमको लेके, तुम्हारी चिंता कर रहा है, रात में तुम लेट आ रहे हो 12-12 बजे तक, ठीक है, और एक्चुअली जो हम तुम्हारे टर्म्स थे वो ये थे कि तुम 8 बजे 9 बजे आ जाओ, ठीक है, नहीं तुमको 1 बजे तक काम करना है, ना बच्चों के लिए टाइम, ना बीवी के लिए टाइम, ना तुम बीवी के साथ बैठते हो, उसको दुनिया के सारे हीरे जवाहरात तुमने दिला दिए, लेकिन उसने तुमने उसको समय नहीं दिया। जब तुमको समय देना ही नहीं था तो तुमने शादी क्यों करी, तुमने विवाह रचा क्यों, समझने की कोशिश करो। तो आपको वहां पे समय देना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा, समय निकाल के देना पड़ेगा। आपको पता है कि मैं ऑब्लाइज्ड हूं, मैं बना हुआ हूं इसके साथ, मैंने खुद अपने ऊपर पहलों की कुल्हाड़ी चढ़ाई है, तो अब तुम्हें उस कुल्हाड़ी को या तो तुम निकालो, और नहीं निकाल पा रहे हो तो संभालो, क्योंकि अगर तुमने निकाल भी ली कुल्हाड़ी और उसको तलाक दे भी दिया, तो क्या तुम अकेले इस दुनिया में सर्वाइव कर सकते हो, नहीं कर सकते, तुमको लगता है तुम कर सकते हो। सर्वाइव करने के लिए चक्रव्यूह से बाहर आना जरूरी है। ये जो चक्रव्यूह है ना जीवन का, ब्रॉडर पिक्चर लोगों को दिखी ही नहीं है, हर बार आते हैं, हर बार वही मिस्टेक करते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछा कि आप समाधि क्यों ले रहे हैं, इसे यहां पे दुनिया के लिए उपकार करिए, दुनिया के लिए उपकार करिए, पूरा लेके जाइए, पूरा जीवन जी के जाइए, दुनिया के लिए उपकार करिए, आपके जो वचन है, आप अगर 50 साल और जीते, उन्होंने कहा ऐसा सुनो, यही ड्रामा मैं पहले भी कर चुका हूं, ठीक है, इस ड्रामा को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेट्स से कि तुमने इस जन्म में, यानी जो ये लाइफ टाइम है, तुमने निकाल दी दुनिया का उपकार करने के लिए, तुम्हें पता चला आखिर में कुछ नहीं होने वाला, हाँ तुम कंटेंट छोड़ के चले गए, वीडियो बना दी तुमने, ऑडियो बना दी तुमने, बुकें लिख दी, पुस्तकें लिख दी बहुत सारी, और तुम चले, अब वापस अगले जन्म में आके क्या करोगे, फिर यही ड्रामा रिपीट होगा। इस जंग में तुम हो, तुम्हें तलवार उठाए रहनी है, ये एक युद्ध है, इस युद्ध से भागना नहीं है, क्योंकि कुचल दिए जाओगे, और बार बार तुम्हें इस, जब भी युद्ध में आओगे, इस युद्ध में तुम्हें तलवार उठानी, कितनी बार तुम तलवार उठाओगे, कितनी बार लड़ोगे, तो अगर तुम्हें ब्रॉडर पिक्चर दिख जाए तो तुम अभी तत्काल में मुक्ति पा सकते हो। मुक्ति तुम वासनाओं से पा सकते हो, एक जीवन की वासना होती है जीने की वासना, उससे नहीं पा सकते, क्योंकि तो उससे जैसे ही बोला कि मुझे जीना नहीं है, ये भी वासना है, मुझे जीना है, आप गए तुरंत, या तो आपका 2-3-4 दिन में एक्सीडेंट हो जाएगा अपने आप, या आप खुद स्लिप हो जाओगे, और अगर आप समाधि में हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आप निर्वाण को प्राप्त हो जाओगे। अब ये सब चीजें जो है, जब जितनी बातें मैंने करी,
मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल बातें हैं लोगों के लिए। मेरे मतलब 4-5 साल पहले ये सब बातों में मैं भी विश्वास नहीं करता था। मेरा था कि ये सब कुछ नहीं होता यार, ये सब लॉजिक वॉजिक, ये सब ऐसे होता ही नहीं ये सब। फिर जब मैंने यूनिवर्स को ऑब्जर्व करना चालू किया और अपने आप को ऑब्जर्व किया और लोगों को सुना, पढ़ा, वेदों को, चीज़ों को समझने की कोशिश करी, भगवद गीता को बहुत बार पढ़ा, तो मैंने एक पैटर्न नोट किया कि बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है हर बुक में। और वो बुक ये कहती है कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन जिस तरीके से तुम लोग सोचते हो ऐसे नहीं होता है। वासना रह जाती हैं, उस वासना को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए एक शरीर मिलता है जो वासना से रिलेटेड होता है। मतलब वोकल कॉर्ड्स अच्छे मिलेंगे सिंगर हो तो ज़रूरी है कि वोकल कॉर्ड्स वहाँ पे अच्छे होने, तो तुम पैदा ही होगे जहाँ पे वोकल कॉर्ड की हिस्ट्री अच्छी हो, क्योंकि शरीर मैच होना चाहिए वासना के साथ। अगर कहीं योगा हो रहा है और तुमने योगा की वासना कर रखी तुम्हारे अंदर, तो आप योगा वाले घर में पैदा हो गए। इट इज़ नॉट अबाउट कि उसी सेम घर में आप पैदा हो रहे हो, इट इज़ जस्ट दैट कि आप पैदा हो गए, पैदा हो गए, पैदा हो गए। जब तक पैदा होते रहो तब तक वासना पूर्ण होता क्या है कि आदमी वासना पूरी करने के लिए पैदा होता है, बाय द एंड ऑफ द टाइम कुछ और नई वासनाएं लेके चला जाता है, फिर आता है नई वासना लेके। तो वासना खत्म नहीं होती है, इसको प्रारब्ध बोलते हैं। तुमने प्रारब्ध खत्म नहीं किया, तुमने शांशित खत्म नहीं किया, तुमने नया प्रारब्ध बना लिया। अब तुमने नया प्रारब्ध बना लिया, अब तुम दोबारा आओगे, फिर वही नाटक। और उसके बाद तुम गंभीर होते हो। अरे तो तुम गंभीर हो रहे हो तो कितने बड़े तुम बेवफा हो, तुम्हें कहीं नहीं पता क्या? तुम पहले किसी और के लिए गंभीर हो रहे थे, अभी किसी और के लिए गंभीर। अगर कोई सच में देख रहा है ना बाहर से, थर्ड पार्टी, उसके पास पॉपकॉर्न है और हाथ में बियर है, वो बैठा आराम से इंजॉय करे, भाई देखो ये चल रहा है। एक आदमी को केवल ट्रैक करेगा ना, पूरा एंटरटेनमेंट मिल जाएगा उसको। एक आदमी को अगर आप थर्ड पार्टी व्यू से बाहर निकल के इस चक्रव्यूह से अगर आप देखो, मतलब अगर सच में मतलब भगवान टाइप का आपको कुछ शक्तियां मिल जाए और बाहर निकलो और आप देखो, तो आपको समझ में आएगा कि अगर सिर्फ एक आदमी को, अगर सिर्फ आपको जो मुझे सुन रहा है उसकी सिर्फ ट्रेस करें ना, कि देखो ये अभी पैदा हुआ, फिर इसको इससे प्यार हो गया, फिर इसके बच्चे हो गए, ये पगलाया गया, मुँह में ग्रसित था, पागल हो गया था, घर से बाहर नहीं निकलता था, ये था वो था, उसके बाद मर गया, उसके बाद उनको भूल गया, उसके बाद फिर पैदा हुआ, फिर उसने नए माँ बाप किए, अब इन नए माँ बाप के लिए रो रहा है, अब इन नए माँ बाप के लिए सीरियस हो रहा है, नए माता पिता के लिए सीरियस हो रहा है, फिर उसको एक लड़की मिल गई, इस बार लड़की पैदा हुआ था, लड़का मिल गया, अब उस लड़के के लिए पागल हो रही है, नस काट लिया, लास्ट टाइम भी नस काटा था लेफ्ट हैंड में, इस बार नस काटा राइट हैंड में, फिर नस काटा, इस बार मर गया नस काट के, फिर रुका 100-150 साल के लिए, फिर मिला, फिर वही किया और वही कर रहा है, जो उसकी हैबिट्स हैं उसके अनुसार वो एक्ट कर रहा है। सिंपल, किसी जन्म में सफलता मिल जाती है, किसी जन्म में सफलता नहीं मिलती है। किसी जन्म में तुम ऐसे ही गाना गा रहे हो घर में बैठे बैठे अकेले अकेले, या 4-5 लोगों के साथ भजन कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो, किसी जन्म में तुम अरिजीत सिंह बन गए हो। सफलता का, मटेरियल सक्सेस का तुम्हारी वासना से कोई लिंक नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुमने कोई चीज बहुत तगड़ी अभ्यास कर रखी, प्रैक्टिस कर रखी है, तो तुम चमकोगे जरूर। जरूरी है कि वहां पे उस चमक की वैल्यू होनी चाहिए, जैसे अभी चमक की वैल्यू नहीं है। आप देखोगे जो एक्टर सारे डांसर, इनकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हैं ऑलरेडी। पर अगर तुम आज से 100 साल पहले पैदा होते तो तब तुम्हारी वैल्यू थी, तुम्हारे पीछे लोग भागते। तो जरूरी नहीं है कि तुम हर जन्म में एक ही वासना लेके पैदा हो तो हर जन्म में तुमको मटेरियल सक्सेस मिलेगी। ये भी इस लेवल पे भी सोचना होता है। तो अगर कोई थर्ड पार्टी है, भगवान की शक्तियां लेके बैठा हो, तो उसके पास हाथ में पॉपकॉर्न है और साइड में कोल्ड ड्रिंक या बियर लिए बैठा हुआ आदमी, और देख रहा, कह रहा, देखो भैया एक आदमी को केवल देखते रहो, 1000 लोगों को मत देखो, केवल एक आदमी को देखो। तुमको दुनिया का सबसे बड़ा मनोरंजन दिखा रहा हूं मैं। अभी ये आदमी मरा है, मरते मरते क्या सोच रहा था अपनी पत्नी के बारे में, अभी देखो क्या होगा। थोड़े टाइम तेरह ही तक इसके थोड़ा ये इंटेंस रहेगा, इधर उधर घूमेगा घर के आसपास, 1 साल बाद इसकी जो वासना है वो गिर जाएगी, एनर्जी की जो इंटेंसिटी नीचे गिरेगी,
फिर ये जाएगा प्रेत योनि, जिसको हम रेस्टिंग फेज बोलते हैं, उसके बाद फिर ये पैदा करेगा, फिर नई पत्नी बना लेगा, और अगर ऐसा पत्नी पैदा हुआ तो नया पति बना लेगा, फिर उसके लिए सीरियस हो जाएगा। हर जन्म में माता पिता करता रहता है, इस जन्म में भी माता पिता, मम्मा 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 मम्मा, पापा 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 पापा। अरे तुम्हारे कितने पापा मम्मी है, कुछ अंदाजा है? कोई अंदाजा नहीं है, एकदम सत्य दिखता है अगर आप सामने देखो ना आंखें खोल के। ये थ्योरीज नहीं है, ये लिविंग लाइफ की प्रैक्टिकलिटी दिखा रहा हूं आपको मैं। मेरे लिए चलता फिरता सत्य है, रोज के लिए, रोज के लिए, रोजमर्रा में ये सत्य है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को ये बताने की कोशिश की, मैंने कहा यार देखो अभी हम लोग काफ़ी अटैच्ड हैं, और तुम भी पहले रही होगी अटैच, तो कितना मतलब पहले किसी के साथ हो सकता है तुम अटैच्ड हो, तो हो सकता है तुम लड़का थी या लड़की थी। तो मैंने उसको सोचा, मैंने कहा सोचो कि वो अभी अगर जिंदा हो कहीं, हो इंडिया में कहीं पर, और तुम मेरे साथ हो, एंड शी वॉज नॉट एबल टू ग्रैस्प इट, बिकॉज इट एंड इट इज़ नॉट हर फॉल्ट, नो बडी विल डू दैट शिट। If you start talking like this shit, people will think you are mad. और थर्ड पार्टी व्यू दिखाया ना मैंने उसको, ये सब देख के मजा आ रहा है जिसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न बैठा हुआ है लेके देख के। अब ये मत सोचने लगता सच में ऐसा कोई है, ऐसा नहीं है। मैं बस एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगर सामने कोई हो तो एक आदमी का अगर टाइम लाइन हम देखें, पूरी की पूरी टाइम लाइन देखें, तो हर टाइम लाइन में वो किसी के साथ प्यार करता है, मर जाता है, कुछ समय बाद याद करता रहता है उसको, फिर एक नई बॉडी मिलती है, उसके बाद फिर वही करता है, फिर वही नाटक, चक्र बोलते हैं उसको। इसीलिए इस दुनिया में हर चीज परिक्रमा कर रही है, रेवोल्यूशन एक लिविंग रियलिटी है इस चीज का। आपकी रोजमर्रा की लाइफ लूप जो चल रहा है उसकी लिविंग रियलिटी है। एवरीथिंग इज रिपीटेशन, एवरी सिंगल थिंग, इफ यू सी योर लाइफ इज रिपीटेशन, द प्लैनेट्स आर रिपीटिंग इटसेल्फ, every single thing is repeating, the entire solar system is repeating itself, plant jeeta hai fir marta hai fir phal nikalta hai fir plant wo marta hai fir nikalta hai fir ye fir wo har cheez to sab ek hi cheez to bar bar ho rahi hai, kya ho raha hai? aapko lagta hai ki aap dobara nahi ho rahe ho, aur aapko ye lagta hai ki program nahi hai aapke andar, aapke andar bhi program hai, wo program repeat ho raha hai। पेड़ का अपना अलग प्रोग्राम है, शेर का अपना अलग प्रोग्राम है, बाघ का अपना अलग प्रोग्राम है, उसका अपना अलग, सबका अपना अलग अलग प्रोग्राम है, इसीलिए छवि अलग अलग है, ये जो फंक्शंस हैं अलग अलग, ये अलग अलग प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के विपरीत जाओगे तो डिस्ट्रक्शन होगा। गाय को मांस खिलाओ, खिलाओ गाय को मांस, देखो क्या होता है, और वहीं पर शेर को घास खिला दो तुम, प्रोग्राम के विपरीत चलेगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, डाइजेशन इनडाइजेशन हो जाएगा, उल्टी उल्टी आने लगेगी। तो प्रोग्राम के हिसाब से होता है सब कुछ, सामने ही तो दिख रहा है, इतना क्या प्रॉब्लम हो गई लोगों को समझने में? सब कुछ तो सामने है, एवरीथिंग इज अ फकिंग प्रोग्राम। एंटी प्रोग्राम कर दोगे तो कुछ और है, प्रोग्राम कर दोगे तो कुछ और है, खत्म। तो हमने ज्यादा चालू किया था वो ये था कि इलॉन मस्क जो है वो चल रहे हैं इस पे, अब भगवान ही इनको सद्बुद्धि दे, हालांकि ही इज अ लिविंग जीनियस, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, बट नोट इट डाउन, 17th October 2022, एंड आई एम नॉट जस्ट द पर्सन हु इज टेलिंग दिस, देयर लॉट ऑफ स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स, स्पिरिचुअल गुरुज, जो एक्चुअल गुरु है, जो घंटाल नहीं है, दीज पीपल विल टेल यू द सेम थिंग, द प्राण विच इज इनसाइड द प्लैनेट अर्थ इज नॉट गोइंग टू रेप्लीकेट इटसेल्फ ऑन अनदर प्लैनेट। थैंक यू, टेक केयर।